13.2 स्वास्थ्य अस्वस्थता और रोग हेल्थ एंड डिजीज। अलग अलग लोगों के लिए स्वस्थ रहने का अर्थ अलग अलग होगा। जैसे नर्तक के लिए स्वस्थ रहने का अर्थ है कि वह हर परिस्थिति में अच्छे नृत्य का प्रदर्शन कर सके। बांसुरी वादक के लिए इसका अर्थ यह है कि वह लंबा श्वास ले सके जिससे कि वह बांसुरी के स्वर को नियंत्रित कर सके। एक खिलाड़ी के लिए इसका अर्थ है कि वह विषम परिस्थितियों में भी कुशलतापूर्वक अपने खेल का प्रदर्शन कर सके। कई बार बिना किसी विशेष रोग के भी हम अस्वस्थ हो जाते हैं। जैसे कुछ उदाहरणों में किए जाने वाले कार्यों को संबंधित व्यक्ति सहज रूप से प्रदर्शित करने में असमर्थ होता है तो हम कहते हैं कि वह अस्वस्थ है। हम स्वस्थ रहने को ही स्वास्थ्य समझते हैं। तो रोग क्या है? रोग को अंग्रेजी में डिसीज से दर्शाया जाता है। यह दो भागों में बांटा जा सकता है, डिस प्लस एस। इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो डिस का अर्थ बाधा या बाधित होना, डिस्टर्ब्ड एस का अर्थ आराम रेस्ट होता है। रोग का दूसरा अर्थ है असुविधा, अर्थात रोग होने का अर्थ है कि हमको शारीरिक असुविधा है। हम रोग के विषय में तब बात करते हैं जब हमें असुविधा के विशिष्ट लक्षणों का पता चलता है। जैसे व्यक्ति को बार बार कह एवं दस्त हो रहे हैं तब हम यह कह सकते हैं कि वह व्यक्ति किसी रोग से ग्रसित है। यह रोग डायरिया हो सकता है।